एक चीज का गुना होना उनमें कूट कूट के भरा था कि मेरे पे झूठ नहीं मानना, क्योंकि बुहारी मुस्लिम में हदीस है, मुस्लिम की पहली हदीस मौला अली से ही है और बुहारी में भी है, और सिर्फ मौला अली से नहीं है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, अबू हुरैरा से, अनस इब्ने मालिक से, मुगीरा इब्ने शोबा से रदियल्लाहु अन्हु अजमईन, कि जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस बयान की वो अपना मकाम दोजख में देख ले। तो ये नबी इस्लाम ने इस चीज का गुनाह होना ऐसा कूट कूट के उनके अंदर भरा था कि उनसे बड़े जुर्म हुए, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा अगर हमने रसूलुल्लाह से टक्कर ले ली तो हमारी शफाअत कौन करेगा। इसलिए रवायत हदीस में आपको कोई हदीस ऐसी नहीं मिलेगी जो घड़ी हो किसी से आप ही ने, जितनी हदीसें मिलती हैं, वरना जिस तरह दुश्मनियां बाद में आ गई थी तो कोई हदीस घड़ लेते, बाद के लोगों ने आले उमैया को ऊपर करने के लिए रवायतें घड़ी हैं, सहाबी किसी ने नहीं घड़ी, इसीलिए हदीसों में चेक किया जाता है ऊपर सहाबी है कबूल। सर ये जो बुसर इब्ने अबी अरता है इसके बारे में तो इब्ने अजर अस्कलानी लिखते हैं कि सवाए इसके कि इसने हुजूर को दे के कलमा पढ़ा है, इसके अलावा इसमें कोई खैर नहीं हमने देखा पूरी जिंदगी में। इसी को हजरत मुआविया ने मुसल्लत किया था हजरत अली के इलाके छीनने के लिए। आप जरा तारीख इब्ने कसीर, तारीख तबरी पढ़ के देखें, अली नाम के बच्चे भी इसने कत्ल किए हैं, नेजों पे उछाले हैं, इस कदर दुश्मनी में आगे चला गया था। यानी इसको हमारे मुहद्दिसीन अस्मा और रिजाल की किताबों में यानी रदी अल्लाह ने लिखा होता, और इब्न अजर ने तो जो कुछ लिखा है ना अत्तज़ीब तहज़ीब में और सीर आलामुन्नबला में इमाम ज़ाहबी ने, वो आप पढ़ें तो आपके कानों से धुआं निकले। हज़रत मुआविया को तो फिर भी वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दफा करते हैं, इसका तो कहते हैं कोई पल्ले शाय है ही नहीं, हम क्या दफा करें। लेकिन मुसनद अहमद की एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है जो इसी ने रवायत की हुई है, दुआ है, यानी ये कोई दीनी या हुक्म नहीं, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्य दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। मैंने कई बार आपको दुआ बताई है, अब ये दुआ, अच्छा देखें दुआ वो ये मांगते रहे और काम क्या करते रहे, तो खाली दुआ मांगने से तो बुरे कामों का अंजाम तो अच्छा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये ना अल्लाह हर काम का अंजाम बेहतर कर दे और हमें दुनिया की रसवाई और आखिरत के हिसाब से बचा ले, खाली दुआ मांगने से तो नहीं, करतूत भी ऐसे होने चाहिए। बल मैंने एक ज़िमनन बात की, मैं तो रदी अल्लाह ही कहूंगा, मुझे हम तो बार बार कहते हैं हमें तो नबी का मुंह मारता है, जिसने भी हुजूर को देख के कलमा पढ़ा चाहे वो वाशी था या आले उमैया थी, कहते हैं दुआई कलिमात उनके लिए, अल्लाह जाने उनका मामला जाने, लेकिन गलती गलती अपनी जगह मौजूद है।